अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। आज हम अपने किचन में यूपी स्टाइल चिकन कौरमा बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा सा सिलबिला होता है, तो इसके लिए मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा चिकन है, इसे अच्छे से मैंने वॉश किया है और यहाँ रख लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, तो जितने हैं मैं बता रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 पीस हमारे पास सिनेमन स्टिक्स के हैं, 3-4 बेलीव, 1 बड़े साइज़ के प्याज, हमने इसे ब्राउन कर लिया है, 200 ग्राम दही, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बड़े साइज़ की प्याज और 2 टेबल स्पून खशखश और 1 इंच का हमने नारियल का टुकड़ा लेकर के इसे फाइन पेस्ट बना लिया है। ये बहुत अहम है यूपी स्टाइल कौरमे में, ये बहुत टेस्टी बनता है इससे मसाला। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। कुकर में मैंने 200 ग्राम ऑयल लिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसी में अनियन फ्राइड की हुई है, तो वही ऑयल है ये मेरा। मैंने सबसे पहले इसमें इलायचियाँ डाल दी, सिनेमन स्टिक्स, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें चिकन। चिकन को तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और चिकन ने काफी सारा पानी रिलीज कर दिया है, तो अब इसके अंदर हम ये मसाले ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट, बेली वगैरह हमने यही ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ साथ ही हम इसमें जो फाइन पेस्ट बनाया हुआ है हमने अनियन और खशखश का, वो भी हमने यहाँ ऐड कर दिया, और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे और जब तक पकाएंगे कि इसमें जो पानी है हमारा सारा खुशक हो जाए और चिकन हमारा टेंडर हो जाए, इस वक्त तक हमें पकाना होगा। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम चम्मच नहीं चलाते रहेंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा कवर करके छोड़ देंगे कि चिकन हमारा टेंडर हो जाए और इसका पानी खुश होने पे आ जाए। बीच बीच में इसमें चम्मच चलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर खशखश पिसी हुई है, वो तला पकड़ लेती है। हमारे चिकन से सारा पानी खुश हो चुका है और चिकन भी तकरीबन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे और इसमें ब्राउन अनियन ऐड कर देंगे और इस पानी को खुशक होने तक फिर से भून लेंगे। इसे हमने कवर करके पकाया है, सीटी नहीं लगाई, कभी आप सोचे, सिर्फ कवर यानी ढक करके पकाया है, तो इसके पानी खुशक होने तक हम थोड़ा सा और भून लेंगे इसे। दही का पानी हमारा खुशक हो गया है बिल्कुल ही, तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1 कप पानी लिया है, देखो मुझे कितना लगता है, थोड़ा सा पानी और डल जाएगा। ये 1 कप पानी पूरा डल गया है और ये हमें सिलबिला चाहिए, तो ये इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि जितना 1 टीस्पून फुल भर करके मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि हमने गरम मसाले में सिर्फ इलायची ली हुई थी। और अब हम इसे 1 उबाल आने के बाद में 5 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और इसमें एक बात और कि अगर आपको खशखश नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह बादाम या काजू ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 काजू को लेकर उसका पेस्ट बना लीजिए, या 10 से 12 बादाम लेकर के उसका पेस्ट बना लीजिए, वो भी यही काम करेगा। चिकन के सालन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जब तक इसका ऑयल सरफेस पर आता है, 5 मिनट के बाद में हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारा यूपी स्टाइल चिकन कौरमा बनकर के तैयार है। इसको आप चपाती रोटी के साथ में गर्म गर्म सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बहुत जल्द बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।